नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी चैती छठ के बारे में। जैसे कार्तिक महीने में छठ पूजा की जाती है, जो कि बिहार का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन अभी ये बिहार के साथ साथ झारखंड और सभी उत्तरवासी पूर्वांचल जितने पूर्व के लोग हैं वो, और नेपाल में भी तराई में ये पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इन सब जगहों में जहाँ ये त्यौहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है, इन सब जगहों के लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं वो त्यौहार हर्षोल्लास से वहाँ वहाँ भी मनाए जाते हैं। छठ मैया की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजा किया जाता है। तो जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि सभी पर्व साल में दो बार मनाए जाते हैं, कहीं किसी महीने में ज़्यादा, कहीं किसी महीने में कम। जैसे जो पर्व कार्तिक महीने मनाया जाता है वो प्रचलित है, यानी कि उसको सभी मनाते हैं और उसका बड़े बड़े घाटों पर आयोजन किया जाता है, प्रसारण किया जाता है, चैनलों में आता है। लेकिन जो भी चैती छठ मनाई जाती है, सूर्य भगवान के नाम से पूजा होता है, उनकी बहन छठी माता के नाम से भी पूजा होता है, तो इसको व्रत तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा आयोजन नहीं होता है। जैसे कि हनुमान जयंती साल में दो बार मनाई जाती है, तीज एक सावन के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, एक भादों के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, दो बार तीज भी मनाई जाती है। उसी प्रकार से दीपावली भी, देव दीपावली, नाग दीपावली, हम लोग का जो भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे जिस दिन, उस दीपावली। तो ये जो पर्व हैं, वट सावित्री एक पूर्णिमा में मनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बाकी सभी भारत में, पूरे भारत में अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या में। तो इसी तरीके से सभी पर्व मनाए जाते हैं, और साल में जो दो पर्व मनाए जाते हैं, एक पर्व का आयोजन किया जाता है और एक पर्व जो होते हैं वो व्रती व्रत करते हैं, इसका बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है। तो व्रत का नियम वो सभी जानते हैं, जो नए व्रतधारी हैं वो भी अपने घर परिवार से पूछ के व्रत को करते हैं। तो ये व्रत जब पहला पुत्र पैदा होता है तभी से ये व्रत माता और पिता दोनों धारण करते हैं, कभी कभी पिता नहीं करते तो माँ भी कर लेती हैं। और ये व्रत पुत्र की कामना के लिए भी किया जाता है, यानी जिन दंपत्ति के, जिन पति पत्नी के संतान नहीं हैं, वो भी कामना करके छठी मैया से और सूर्य भगवान से ये कामना करें कि हे प्रभु, हे मैया, हमको संतान की प्राप्ति हो जाए, तब हम ये व्रत को हम भी उठाएंगे या शुरू करेंगे। और जिनको पुत्र या संतान हो गए हैं तो वो उस व्रत को उसी साल से, यानी जब छठ आता है तो शुरू करते हैं, और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए, उनका पुत्र सदैव सुरक्षित रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, इसके लिए माता पिता व्रत करते हैं। तो इस व्रत का नियम, जैसे एकादशी में बताई हूँ तीन दिनों का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी, तो इस व्रत का भी नियम चार दिन का होता है, यानी पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन, यानी कि ये व्रत जो है चतुर्थी से शुरू होके और ये सप्तमी तक चलता है। तो इसका नहाए खाए, फिर खरना। खरना में क्या करते हैं कि पूरे दिन व्रती व्रत को धारण करते हैं और शाम को नए चूल्हा में आम की लकड़ी से गुड़ की खीर बनाते हैं, प्रसाद के रूप में व्रती खुद भी खाते हैं और घर वालों को भी देते हैं, और वही खरना से ये जो खाते हैं उसी दिन से व्रत उनका निराजली शुरू हो जाता है। यानी कि अगले दिन पूरे दिन षष्ठी के दिन, यानी नहाए खाए चतुर्थी, पंचमी में खरना और षष्ठी के दिन वो पूरे दिन निराजली व्रत करेंगे, और फिर वो सप्तमी के दिन पारण करते हैं, जो कि उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद व्रत पूरा हो जाता है। फिर भी नियम निभाते हैं, कोई कोई एक टाइम भोजन करते हैं, जो भी प्रसाद वगैरह रहता है खा के करते हैं, पूरी तरह से मतलब उस दिन भी कुछ न कुछ नियम निभाते हैं। इस बार ये व्रत षष्ठी पर्व का 5 अप्रैल 2022 से शुरू होके, 5 अप्रैल से नहाए खाए से शुरू होके, फिर 6 अप्रैल को खरना जो नियम होता है उसको करते हैं, और 7 अप्रैल को गुरुवार के दिन निराजली व्रत करके पूरी तरह से पूजा पाठ करेंगे, और 8 तारीख को इसका पारण होता है। षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को जल देंगे और फिर सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को जल दे के पारण करते हैं। तो इस दिन, यानी कि जिस दिन छठी पर्व रहता है, उस दिन
किसी भी पवित्र नदी में, गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, यानी बाहर ही नहाया जाता है। और जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है आसान जिंदगी में डला हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं। तमाम बहनें पूछती हैं कि जो पहले का सूपा है क्या उस सूपा में हम चढ़ा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे कि पूजा किया गया, फिर उसमें कुछ घरेलू काम नहीं होना चाहिए, उस सूपा को ऐसे ही रख दें, फिर अगली बार उसको साफ़ करके और फिर से हल्दी और कुमकुम करके सभी वो चढ़ाने वाली चीज़ें जो चढ़ती हैं, ऋतु फल जैसे अभी आम वगैरह मिल जाएंगे, तो जो भी ऋतु फल हैं तो वो सभी ऋतु फल चढ़ा के गंगा में जाके, मतलब कमर तक पानी रहता है तो वहाँ पर जाके पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को जल देने के बाद इस व्रत को, मतलब कि पूरे दिन निराजली व्रत रहेंगे, पूरे रात व्रत रहेंगे निराजली, कुछ भी नहीं खाएंगे। शाम को जो पूजा करते हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद, फिर घर चले आते हैं, फिर दूसरे दिन यानी कि जो पारण होता है तो उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद नियम के अनुसार पारण करके, और उस दिन भी सात्विक आहार ही करते हैं। तो षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो 5:30 पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, और सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को 6:40 पर अर्घ दिया जाएगा। इसमें थोड़ा जल्दी और देर भी हो सकता है, लेकिन जब आप डूबते हुए सूर्य को जल दें तो सूर्य का ये ध्यान रखें कि सूर्य डूब न जाए, कि पता चला आपको देर हो गया सूर्य डूब गया है तब आप जल दे रहे हो। सूर्य के रहते भले आप पहले दे लो, लेकिन सूर्य के बाद डूबने के बाद शुभ नहीं माना जाता। उसी प्रकार से सूर्य उदित होने के बाद, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि 6:40 पर सुबह देना है सप्तमी के दिन जल उगते हुए सूर्य को, तो इसमें देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य उगने के बाद उनको जल दिया जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ वैसे व्रतों में जो नियम ग्रंथों के द्वारा बताए गए हैं, जो भी नियम है, जो भी परहेज है, जो भी वर्जित कार्य है, वो अभी के ज़माने में सब नहीं कर पाते। जैसे कि बताया जाता है कि सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता, तो सिला हुआ वस्त्र कैसे नहीं पहनेंगे, पेटीकोट है, ब्लाउज है, सब सिला हुआ रहता है। पहले के लोग निभा लेते थे, लेकिन अभी के लोग नहीं निभा पाते। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं ग्रंथों के बताई हुई कि जो हम लोग अभी नहीं कर पाते, तो सिला हुआ वस्त्र न पहने। और तमाम चीज़ें परहेज दिया गया है छठ पूजा में कि खेत खलिहान में न जाएँ, पगडंडियों में न चलें, कोई जीव जंतु अपने पाँव के नीचे, इसीलिए कि मतलब दबे ना, उसकी जीव को कोई हानि न पहुँचे, सब तमाम चीज़ें रहती हैं। कम से कम बात करें, जैसे जिससे कि अपशब्द ना निकले, और तमाम चीज़ें रहती हैं। तो उसी प्रकार से अब तमाम बहनें पूछती हैं कि क्या नया वस्त्र पहनना जरूरी है, तो अगर आपके पास नया वस्त्र है, सभी विशेष पूजा में नया वस्त्र ही धारण किया जाता है, अगर है तो कोई बात नहीं पहन सकती हैं आप, अगर नहीं है तो पूजा का ही वस्त्र, जैसे जैसे पिछले साल आप पूजा किए थे तो वस्त्र धुल के रखा हुआ है, तो आप उस वस्त्र को भी पहन सकते हैं। जैसे कि तमाम लोग हैं उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं पूजा में कि वो सब ये सब चीज़ें कर पाएँ, तो आप श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है, श्रद्धा से आपके पास जो भी है, जैसे मैं अभी बताई कि आप पुराना जो सूपा है, अडलिया है, उसको भी धो के, यानी कि घरेलू काम उसमें ना किया रहे, पूजा करके रखा रहे, दोबारा से उसको धो के हल्दी कुमकुम लगा के आप पूजा कर सकते हैं। उसी प्रकार से पूजा किया हुआ वस्त्र धुल के रखा है तो थोड़ा सा जल छिड़क के आप उसको भी पहन सकते हैं। और जो ये कठिन व्रत है, यानी जो कि अभी कार्तिक महीने का जो व्रत होता है उसमें कुछ ठंडी रहती है, चल जाता है, लेकिन ये कठिन व्रत अभी जो चैती छठ का व्रत है ये गर्मी में आता है। तो जो कि षष्ठी के दिन यानी खरना जो खीर खाते हैं गुड़ का, उसके बाद से निराजली व्रत शुरू हो जाता है, और ये व्रत पूरे षष्ठी के दिन और पूरी रात्रि और फिर सप्तमी के दिन पारण किया जाता है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग इस व्रत को नहीं कर पाते, तो आप अन्न न खाएं, यानी जो निराजली व्रत है, निराजली यानी कि जल भी न पिए, लेकिन अगर आपकी अगर तबीयत खराब है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आप थोड़ा बहुत जल माता का नाम लेकर षष्ठी मैया से प्रार्थना करके पी सकती हैं। उसी प्रकार से सूर्य भगवान को विशेष पूजा इन 4 दिनों में किया जाता है, और षष्ठी मैया का भी स्थापना घर में ही कर लें। जैसे अगर नदी तालाब में आप जाना चाहती हैं, सुविधा है तो आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं, लेकिन तमाम बहनें ऐसी हैं जो इन क्षेत्रों की हैं, जैसे झारखंड, पूर्वांचल के लोग और नेपाल के लोग, बिहार के लोग, तो ये सब बाहर जैसे अपने गंगा तट पर हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर हैं, नदियों की सुविधा नहीं है, तो घर पर भी वो नहा के और जो विधि बताई गई है उस विधि से पूजा कर सकते हैं। तो आप लोग बोले थे कि जो अभी चैती छठ है आप इसका वीडियो दो, तो आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाया है, और आप हमारा वीडियो
पा नहीं रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि आप हमारा वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप आल का जो बटन है उसको दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे। अभी जो चैत की नवरात्रि आ रही है, इसमें मैं वो सब लड़कियों के लिए विशेष बताऊंगी जिनका विवाह होने वाला है, उनको विशेष सावधानियां बताऊंगी और बहुत सारे वीडियो दूंगी। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।